आपको दिखाते हैं रियान से अकेला बैठ के अकेला ही खेलते रहते, देखो अपनी मस्ती में पूरी मगन है। और अब देखो मैं इसको बुलाऊंगा, फिर देखना कैसे भाग के आएगी। रियांशी कहाँ पे है? अकेला अकेला क्या करता रहता है भाई? हाँ जी, राम राम जी। तो स्वागत है आपका फिर से रियांशी मोड़ के एक और व्लॉग में। आज रियांशी देखो कितना सीरियस है, ये चाहते हैं कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बेटा आपको पूरा मौका दिया जाएगा, बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी तो फ्रेंड, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मेरे हो रहा है सर में दर्द। रियांशी सर दबाएगी अभी। नहीं, पहले रियांशी की पूरी बात सुनी जाए, क्या कहना चाहती है बोलो बेटा, बताओ। आज पूरा मौका है। अरे नहीं, लेट के ही बताना है। अच्छा, सर दबा रही है पहले ये? और नाक नहीं दबानी, सर दबाना है। सर दबा दो। इसको करने दो, ऐसे जबरदस्ती वाले बंदे में बैठो। सर सर दबा दो दबा दे दबा दे जो काम मैं आज तक नहीं कर पाया तूने कर दिया। अरे ये रियाशी, गुड 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 गुड। सर दबाना था बेटू। अरे सर में दर्द ठीक कर रही है ना आपका मम्मी? ही है मेरे लिए पापा के साथ। ये कैमरे के सामने भेजती हो रही है इतना जोर से बेटो। अभी खाना बनाना था, सारा सर दर्द ठीक कर दिया रे आंटी ने मेरा। थकान उतरी या नहीं उतरी? उतर गई बस। नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी ट्रीटमेंट करेगी दांतों से। कर बेटा कर। पापा भी है बेटू? ना पापा के दिन में कर ले यार। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से किचन में चली जाती हूँ, इन दोनों पापा बेटी से छुटकारा पा के मैं भाग रही हूँ। जा रही हूँ रियांशी, बाय बाय। देखिये अब मेरे पीछे आएगी भागते हुए। और फ्रेंड, आज कई दिनों में रियांशी को पटियाला के पार्क में लेके आए हैं। आज यहाँ करेगी मस्ती। ये देखो कितना सुंदर पार्क है। और दोस्तों, अन्नू तो पहले ही आ गई थी रियांशी को लेके पार्क में, और मैं भी आ गया हूँ। और पार्क में आके देखा माहौल फिर से बारिश का बन चुका है बिल्कुल। पटियाला में तो पहले ही पानी नहीं उतरा और बारिश का मूड हो गया। और यहाँ पे बैठी है हमारी रियांशी। अरे किटी पाई, अभी थोड़ा ऑब्जर्व कर रही है, उसके बाद इधर उधर घूमेंगे। वैसे घास बारिश का मौसम है, पर मैं तो ये कहूंगी ना ही आए बारिश, क्योंकि आज मुश्किल से पटियाला का पानी उतरा है।
जो अर्बन एस्टेट एरिया है वो पूरा भरा हुआ था, लोग इतने परेशान थे, कभी इधर से उधर शिफ्ट कर रहे थे। और आज बारिश आ गई ना तो फिर नहीं रोकने वाला कोई, क्योंकि उन्होंने एक कच्चा सा वहाँ पे गगर रिवर पे एक कच्चा सा बांध बना रखा है, वो फिर से टूट जाएगा। अच्छा, एंड आपके काफ़ी बार कमेंट्स आए थे कि मैं अपने प्रेगनेंसी का डाइट बताऊँ, मैंने जब रियांशी पेट में थी तो क्या क्या डाइट फॉलो करी थी। तो चलिए यहाँ बैठे हैं आराम से, बढ़िया मौसम होया हुआ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो हाँ यही होता है। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट मंथ में मेरे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगते थे, जो भी मैं खाती कई बार तो आधी रोटी खाते खाते भी उल्टियाँ लग जाती थी। तो फर्स्ट मंथ ऐसे ही चला मेरा, पर मैंने खाना नहीं छोड़ा, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो खाती रही मैं। तो मेरा डाइट प्लान इस तरह था कि मैं रात को हमेशा बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर ये भिगो के सोती थी, थोड़े थोड़े पीस, दो पीस अंजीर के, दो तीन काजू और ऐसे वो सब। तो सुबह उठते ही 5-5:30 बजे उठ जाते थे, फिर जाते थे मॉर्निंग वॉक पे। स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो इतना वॉक नहीं किया, खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, रियान से ज़्यादा ही डिस्टर्ब करते थे। तो भाई सुबह पानी पी के घूम के आते थे, उसके बाद आते ही बादाम वगैरह जो भिगो रखे थे वो खाते थे, उसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार करते थे। ब्रेकफास्ट में पोहा हो गए, पराठे हो गए, या फिर अपनी सिंपल दाल रोटी या रोटी सब्जी जो भी बनता है ब्रेकफास्ट करके, और कुछ फ्रूट्स या सलाद में काट के ऑफिस लेके जाती थी। और ज़्यादातर चीज़ें ये ट्राई करती थी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे उस टाइम गर्मी थी तरबूज वगैरह, तो वो लेके जाते थे मैं ऑफिस में, और ऑफिस में पानी ज़्यादा पीती थी। उसके बाद घर आते ही लंच तैयार करते थे, लंच खाते, और लंच खाने के बाद भी थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खा लेते थे, तरबूज वगैरह। और उसके बाद मैं वापस ऑफिस चले जाती थी, ऑफिस से आने के बाद मौसमी का जूस पीते थे हम, पूरा कट्टा भर के ऐसे फ्रिज, एक कट्टा एक कट्ठा ले आते थे फ्रिज में, मौसमी लगा देते और घर पे ही मशीन से मौसमी का जूस निकालते वो पीते थे। और शाम का मेरा डेली मौसमी का रूटीन था, कई बार सुबह भी हो जाता था, सुबह हम जैसे ही घूम के आते तो ड्राई फ्रूट्स खा के उसके बाद थोड़े टाइम बाद मौसमी का जूस पी लेते थे। और लंच में भी ज़्यादातर रोटी सब्जी होती थी, जो हरी सब्जियां हैं, पालक है और भिंडी भी बढ़िया है, वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा खाती थी। जो जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, ये चीज़ अवॉइड करती थी, क्योंकि इससे उस टाइम थोड़ी कब्जी भी होने की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो सब नहीं खाते थे। और 5 बजे मैं ऑफिस से आती, उसके बाद फ्रूट्स या मौसमी का जूस तो मेरा रूटीन का था डेली, और अनार भी फ्रूट्स में मोस्टली खा ही लेते थे मैं। और उसके बाद दोबारा हम शाम को घूम के आते और फिर रात को दोबारा डिनर। खाने के साथ फाइबर वाली चीज़ें जरूर लो, जैसे खीरा हो गया, हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। और पहले दिन बाहर का खाना तो बिल्कुल ही भूल गई थी मैं, पहले 2 महीने तो आपने उसका भी तो आटा खाया था, ज्वार का मिक्स करके उसमें रोटियों में। नहीं वो तो उससे पहले भी, उससे मल्टीग्रेन तो खाती रहती हूँ, कुछ नया नया ट्राई, बढ़िया बढ़िया जिसमें न्यूट्रिशन हो वो तो मैं खाती रहती हूँ। जैसे कई बार आटे में ज्वार का आटा मिक्स कर देते थे वो खा लेते थे। और उसके बाद ये तो सब चला रहा मेरा 7-7 महीने तक, ऐसे यही रूटीन था सेम, और डेली घूमना, और ऑफिस में भी पैदल जाती थी वापस आती थी, तो घूमना तो मेरा काफ़ी हो जाता था, कम से कम दिन में 1 घंटे वॉक हो जाते थे मेरे। उसके बाद जब 8वां महीना लगा, उस टाइम में जैसे एक तो दूध में घी डालना शुरू कर दिया था, वो मम्मी और ने बताया था कि भाई उससे मतलब जो चिकनाई होती है बॉडी में, चिकनाई मिलती है दूध में घी डालने से, और बच्चा भी इजीली हम मतलब डिलीवर कर सकते हैं। और साथ में कांगनी डलवाई थी मम्मी ने मेरे, कांगनी में नारियल
कसके और वो डाले थे भाई। आठवें महीने में तो मस्त है, दूध में घी डाल के पियो, जिसकी वजह से बॉडी में पूरी चिकनाई हो जाएगी और आपके ना नॉर्मल बेबी होने के चांस 90% चले जाते हैं उस चीज से। तो आठवें महीने मैंने कांगने भी खाई थी और पहले मेरा ट्रीटमेंट मतलब जो रूटीन चेकअप था वो चल रहा था सारा आधार हॉस्पिटल से। तो जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब आपकी एक हफ्ता बचा है डिलीवरी का तो आप छुट्टी लेके आ जाओ, तो हम वहाँ से छुट्टी लेके घर पे आ गए थे। और उसके बाद हमने सोचा कि क्या पता भाई हम हिसार ना जा पाए एकदम से, तो लोकल हाँ जींद में जो डॉक्टर था ना उनसे कंफर्म किया तो वो बोले कि अभी हाँ एक हफ्ते का टाइम है, अभी टाइम लगेगा आपको। तो जब 9th month शुरू हुआ था डॉक्टर ने बोल दिया था कि धीरे धीरे भाई आप डिलीवरी के तरफ जा रहे हो, तो उस टाइम मैंने बैठ के पोछा लगाना शुरू कर दिया था। अच्छा उससे पहले जब जैसे ट्राइमेस्टर होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज नहीं करी मैंने, बस वॉक करती थी। सेकंड में वॉक प्लस एक्सरसाइज जो लाइट एक्सरसाइज हैं यूट्यूब वगैरह पर मिल जाते हैं बढ़िया, तो वो मैंने करनी शुरू कर दी थी। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर था उसमें थोड़ी एक्सरसाइज की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी। 9th month में तो प्रॉपर सुबह आधा घंटा शाम का आधा घंटा वो पुश बैठ के उठा बैठी करना बैठ के पोछा लगाना वो सब चीज़ें शुरू कर दी थी। और आप यकीन नहीं करोगे हम कितने बजे गए थे हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में गए थे 5:30 बजे। हाँ और सात बज के 32 मिनट पर रियांशी हो गई थी। हाँ। सबसे कम टाइम में मेरी डिलीवरी हुई थी और वो 7:32 से पहले हो जाती जिस टाइम रियान से ना उससे जस्ट पहले 8-9 डिलीवरी हुई थी। हाँ वो तो जैसे होती रहती है पर ये लगा लो सबसे कम टाइम में मेरा इजीली डिलीवरी हो गई थी और जल्दी छोटे मिल गए थे। जैसे ही लेबर रूम में गई थी ना 5 मिनट बाद खबर आ गई थी। हाँ रियान से हो गई। हाँ बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। 5 बजे हम चले गए थे, उसके बाद भी जैसे मेरे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ था तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया धीरे धीरे शुरू हुआ। तो उसके बाद मम्मी और ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने बताया कि भाई वो तो मेरे पैर मसलती रही और फिर कहते कि बस तू जोर लगाती रहे, उसके उस जोर की वजह से मेरा बहुत जल्दी हो गया था। तो फ्रेंड ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, पता ही नहीं चलता था कैसे टाइम निकल गया, ऑफिस में जाओ आओ। नहीं पहले तीन महीने तो मेरे को तो पूरा पता चला था। उस टाइम वोमिटिंग ज्यादा होते थे ना, घर पे जाते और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहते थे इसको। हाँ स्टार्टिंग में ही रहे थे बाद में। उस टाइम फिर दूध पिलाना। हाँ खट्टी डकार काफी आती थी तो मेरा ये रहता था दूध पीते ही ठीक हो जाती, ठंडा दूध पी लेते थे। हर एक का अलग अलग होता है। अच्छा कच्चा नारियल मैंने खाया है, जैसे वैसे तो नारियल पानी भी पीते हैं पर दोनों बराबर खाने चाहिए पीने चाहिए क्योंकि कच्चा नारियल और भी ज़्यादा हेल्दी बताया नारियल पानी से। तो मैं क्या खा रही है तो फ्रेंड ये थी वही मेरी जर्नी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना और भी कुछ चीज़ें अगर याद आती रहेंगी बीच बीच में शेयर करते रहेंगे, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। एक बार एक्सपीरियंस होने वैसे बहुत अच्छी फीलिंग है ये माँ बनने की, जो फीलिंग होती है ना दुनिया में ऐसी फीलिंग और कोई भी फीलिंग नहीं है जो एक माँ बनने की खुशी होती है। अपनी खुशी भी जाहिर कर दो। कैसे माँ बाप मिले आपको? अभी नहीं बताएगी, थोड़ी बड़ी होने के जब पता लगेगा ना। हाँ मुझे ये चीज नहीं मिल रही वो नहीं मिल रही, पापा आप गंदे हो ये लेके नहीं आए। है ना ऐसे ही बोलोगे ना। ओके नहीं रियान सी बहुत ही समझदार है, मेरे को उम्मीद नहीं है ऐसे ही ऐसे बोलेगी। कुछ एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, जो चल रहा है थोड़े अपनी तरफ से 100% करो, बाकी जो काफी कुछ चीजें मार्केट में ऐसे भी आ जाते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक रहती हैं और बच्चे उसी चीज की तरफ ज्यादा लुभाते हैं अपने आप को, तो फिर वो तो कैसे परचेज करवाएं भाई जो इनके काम के नहीं है। नहीं
उधर ना वो घूम रहे हैं और इसको ऐसा लग रहा है दादा दादी है दूर से, तब ये जोर जोर से ऐसे बुला रही है दादी दादी। चले अब गर्मी, हाँ चलो गर्मी नहीं मच्छर भी हो गए ना, चलो चलते हैं। और फ्रेंड अभी आज हमने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया, पार्क में भी घूम ले, ऊपर छत पे भी घूम ले। और अभी मोर साहब कभी कहते मीठा खाएगी, कलाकंद खाएगी, कभी कहे पिज्जा खाएगी, मैं कहा आज क्या हो गया, कहते हैं ज्यादा भूख लगी और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम आज बहुत टाइम बाद, कितना टाइम बाद पिज्जा खाए, कितना टाइम होगा, काफी टाइम हो गए होंगे, 5-6 महीने तो है ना, 5-6 तो नहीं हुए हैं लेकिन हाँ टाइम काफी हो गया, टाइम काफी हो गया। तो चलिए आज चलते हैं पिज्जा खाने, रियांशी वहाँ पे कौन किसको है, चलो 9 बजे तक बंद हो जाता है, बढ़िया ओके। रियांशी ऐसी बात है क्या, रियांशी रियांशी का हो गया सोने का टाइम, रियांशी गुड नाइट, बाय बाय बोल दो बेटा, बाय 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 नहीं बोल रहा हूँ, ओके दोस्तों गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, नो